सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है एस्टिमेट किया था मौजूदा वित्तीय वर्ष में 10,67,889 करोड़, 10.67889 करोड़, जबकि रिवाइज एस्टिमेट में वो 10,53,862 करोड़ हुआ। मतलब जो पूंजीगत खर्चा सरकार करना चाहती थी वो भी पूरा नहीं कर पाई। सवाल ये उठता है कि जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, प्राइवेट कंजम्पशन मोर और लेस स्थिर बना हुआ है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है पूंजीगत खर्चा है वो गिर रहा है, तो ये 7% GDP अचीव हुई तो हुई कैसे? जो मौजूदा वित्तीय वर्ष के दो पहले क्वार्टर के जो रिजल्ट आए 13.5% की ग्रोथ और 6.3% की ग्रोथ, तो पहले हाफ ईयर में देश की GDP ग्रोथ हुई 9.9%। अगर हम मान भी लें कि 7% की GDP ग्रोथ होगी तो आने वाले जो Q3 और Q4 है उसकी ग्रोथ 4 से 4.5% रहेगी, अर्थात मौजूदा वित्तीय वर्ष में क्वार्टर दर क्वार्टर देश की GDP ग्रोथ रेट गिरी। मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर में 13.5%, दूसरे क्वार्टर में 6.3%, तीसरे क्वार्टर में 4 से 4.5% के बीच और चौथे में भी है। तो देश क्वार्टर दर क्वार्टर मौजूदा वित्तीय वर्ष में GDP ग्रोथ गिरी है।